देखिए, सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से सभी कटरा निवासियों को, सभी यात्रियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े अच्छे मौसम में पूरा जो कार्यक्रम है आज संपन्न हुआ, जबकि देर रात से बारिश लगातार चल रही थी। और जहाँ तक आपने यात्री सुविधाओं की बात की, तो बोर्ड का हमेशा ही ये प्रयास है कि यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए, यात्रा सरल हो, सुगम हो और किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना यात्रियों को ना करना पड़े। और बहुत सारी ऐसी जो लगातार कड़ी बार जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, बोर्ड की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एक नए एग्जिट ट्रैक का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि स्काई वॉक के साथ साथ एक एग्जिट ट्रैक भी भवन पर उपलब्ध हो और यात्रा प्रबंधन में खास करके भीड़ भाड़ के दिनों में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भवन की तरह अर्धकुंवारी में भी आरती का एक शुभारंभ किया गया है पिछले कुछ दिनों से, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आरती की सुविधा उपलब्ध है। और बहुत सारे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं और जो लंगर सुविधा का लाभ अभी 3 जगहों पर ले रहे थे, उसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक और स्थान पवित्र अर्धकुंवारी जो है हमारा उसको ऐड किया है। और हमारी कोशिश है आने वाले शारदीय नवरात्रों में वहाँ पर भी एक लंगर सुविधा हमारे यात्रियों को जो निःशुल्क उपलब्ध रहती है वो उपलब्ध हो। उसके अलावा अकोमोडेशंस को बढ़ाने के लिए भवन पर एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण बढ़ाया जा रहा है। अटका आरती को और सुंदर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में भवन पर फसाड लाइटिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है। तो कुल मिलाकर के इन सभी इनिशिएटिव्स का एक ही मकसद है, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक तो यात्रा प्रबंधन सुचारू रूप से चले, कतारों में लोगों को कम से कम लगना पड़े और ऑनलाइन मोड से ज़्यादा सुविधाएं हम उनको दे सकें। और हमारी कोशिश है कि जो एक माता रानी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड यात्रा संख्या हमने पिछले 2 सालों में देखी है, उससे भी ज़्यादा यात्री आने वाले वर्षों में कटरा में जरूर करें। देखिए, आज तो एक बड़ा शुभ मौका है कि हमारे 3 बच्चे पेरिस ओलंपिक्स में भारत की तरफ से जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े कम समय में उन्होंने अपना जो प्रतिभा है उसको दिखाया है, ना केवल जेके के लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो बच्चे पहुंचे हैं। और हम सभी की माता रानी से ये प्रार्थना रहेगी कि देश के लिए खूब सारे मेडल्स लेकर ही ये कंटिंजेंट लौटे। और मैं समझता हूँ इन सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने से बहुत सारे हमारे और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो ना केवल आर्चरी, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो जूडो हो, उसके अंदर भी हमारे जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम जरूर रोशन। देखिए, आज तो एक बड़ा शुभ मौका है कि हमारे 3 बच्चे पेरिस ओलंपिक्स में भारत की तरफ से जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े कम समय में उन्होंने अपना जो प्रतिभा है उसको दिखाया है, ना केवल जेके के लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो बच्चे पहुंचे हैं। और हम सभी की माता रानी से ये प्रार्थना रहेगी कि देश के लिए खूब सारे मेडल्स लेकर ही ये कंटिंजेंट लौटे। और मैं समझता हूँ इन सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने से बहुत सारे हमारे और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो ना केवल आर्चरी, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो जूडो हो, उसके अंदर भी हमारे जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम जरूर रोशन। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।